नहीं, और ये उसके बाद जज ने जो है उनको डायरेक्ट किया मुझे कि भाई के पुलिस हैज टू रिफर, हैज टू फाइल दिस एफआईआर। तो ये मैं उनके पास जाके उनको दे आया और फिर उनके साथ बैठ के उन्होंने टाइम दिया तो कल एफआईआर लॉक हुई। मैं कॉर्पोरेट कंपनी नहीं हूँ, एक इंडिविजुअल हूँ। तो अगर एक इंडिविजुअल फिल्म मेकर को इतना परेशान किया जाए, वो अपना उसका पूरा का पूरा राइट्स इंफ्रिंज कर दिए जाए, तो उसका कितना बड़ा नुकसान होता है। बहुत ही बड़ा नुकसान उसका, मेरे तो करियर को ही इन्होंने इन हरकतों ने डैमेज कर दिया। हेलो व्यूवर्स, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन लाइफ में। फिल्म मेकर सुनील दर्शन ने यूट्यूब पर अपनी फिल्म एक हसीना थी एक दीवाना था के कॉपीराइट उल्लंघन को लेकर गूगल CEO सुंदर पिचाई, गूगल और इसके कुछ अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि यूट्यूब पर कई यूजर्स द्वारा उनके एक्सक्लूसिव कंटेंट को यूज़ किया जा रहा है, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ है। अपनी FIR में फिल्म मेकर ने गूगल के CEO सुंदर पिचाई और कंपनी के 5 अन्य एम्प्लॉयज़ का नाम भी शामिल किया है। अंधेरी ईस्ट MIDC पुलिस स्टेशन में कॉपीराइट एक्ट की धारा 51, 63 और 69 के तहत FIR दर्ज की गई है। सुनील दर्शन ने टाइम्स को बताया है कि मेरी फिल्म, जिसे मैंने कहीं भी अपलोड नहीं किया है और दुनिया में किसी को भी नहीं बेचा है, उसे यूट्यूब पर लाखों बार देखा गया। मैं गूगल से इस फिल्म को प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए अनुरोध करता रहा और दर दर भटकता रहा। मैं बहुत निराश हो गया था और मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा था, इसलिए मुझे अदालत जाना पड़ा। सौभाग्य से कोर्ट ने मेरे पक्ष में आदेश दिया और पुलिस को FIR दर्ज करने का निर्देश दिया। 1 अरब से ज़्यादा बार कॉपीराइट उल्लंघन हुए हैं, जो मेरे पास उनमें से प्रत्येक का रिकॉर्ड है। यह उन लोगों के बारे में है जो दावा करते हैं कि वे कानून का पालन करते हैं और अब उनके पास कोई सिस्टम नहीं है। मेरे वीडियो से कमाई करने वालों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। मैं टेक्नोलॉजी को चुनौती नहीं देना चाहता, लेकिन मैं टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग को चैलेंज कर रहा हूँ। मामले पर कानूनी दृष्टिकोण सामने रखते हुए सुनील दर्शन के वकील आदित्य ने कहा कि उनकी फिल्म एक हसीना थी एक दीवाना था कि ऑडियो विजुअल और ऑडियो अपलोड करने की उनकी कार्रवाई से यूट्यूब और उनके अधिकारियों ने केवल मार्केटबिलिटी को काफ़ी कम कर दिया है, बल्कि फिल्म के ऑडियो विजुअल और ऑडियो के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के मूल्य को भी कम कर दिया है। लेकिन यूट्यूब ने कंटेंट को प्लेटफॉर्म पर दिखाकर उस पर आने वाली एडवर्टाइजमेंट और अन्य कई सोर्स के माध्यम से बड़ा रेवेन्यू कमाकर खुद को अन्यपूर्ण रूप से समृद्ध किया है, जिसकी दर्शन ने यूट्यूब, गूगल और उसके अधिकारियों से कई बार शिकायत की, लेकिन उन्होंने उनकी शिकायतों को नज़रअंदाज कर दिया और उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का वैध रूप से यूज़ करके अपने लिए बड़ा रेवेन्यू कमाना जारी रखा। सुनील दर्शन अपने सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, वही उन्हें समझौता करने में कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं केवल अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा हूँ, कोई मेरे कंटेंट का यूज़ कैसे कर सकता है, विशेष रूप से जिस पर मेरा कॉपीराइट है, जो मैंने कभी किसी को बेचा ही नहीं है, किसी के साथ शेयर तक नहीं किया है और ना ही किसी प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है, और फिर उनके अपने कारण होते हैं और वे उसे हटा भी नहीं सकते। मैंने फिल्म की पूरी वैल्यू को खो दिया है और उन्होंने पहले ऐसा भी किया है, यह एक अलग मामला है। लेकिन आपको ये मामला, अगर आपने फिल्म देखी है तो आप ये समझ सकते हैं कि फिल्म किसी और के थ्रू बनाई गई थी, लेकिन यहाँ पर चोरी का कंटेंट सामने आ रहा है और इस वजह से सुनील जो है उनकी पूरी ज़िंदगी और उनकी मेहनत ख़राब हो चुकी है। इस बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और अब गूगल के CEO पर उन्होंने FIR भी करा दी है। ये खबर सुन के आपके क्या व्यूज़ है, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइफ।